अस्सलामुअलैकुम। ये उमाड़ा जो सिटी है ना, उमाड़ा असल में, ये देखें जी, जिना नेवल बेस उमाड़ा, उमाड़ा सिटी, नेवल एयर स्टेशन उमाड़ा और ग्वादर इस साइड है सारा कुछ, यानी कि ये पसनी और ग्वादर इस साइड है, पसनी और ग्वादर, और ये सारे आपके सामने बोर्ड है, ये साइड पे हमारा सिटी है, ये सिटी है उमाड़ा सिटी जो है ना, आर्मी कैंप है ये, यहाँ से कई दफ़ा पुलिस वाले गुजर, वो आर्मी वाले खड़े होते हैं। ये आ गया जनाब सेंटर आ गया है, ये चौक है, इधर ये ग्वादर को जा रही है, ये पैसेंजर खड़े हैं, और इधर ये उमाड़ा सिटी है, ये उमाड़ा सिटी की तरफ ये सामने बीच है। अगर वो नहीं भी जाने देते आपको तो आप यहीं पे गाड़ी खड़ी करके, यहाँ पीछे से रास्ता है, इधर एक वो बना हुआ है, उसमें से आप गुज़र के जा सकते हैं ईज़ीली। और बहुत अच्छा पॉइंट है ये, देख कितने के काबिल है ग्वादर ग्रास। ये आ रहा है पीछे से ग्वादर, यानी कि आप कह लें कि जो ज़ीरो पॉइंट है ना पीछे कराची से आते हैं वहाँ से, ये आगे चौक है, आप चौक कह लें, कैंची कह लें, इस पे आके ये सामने है बिल्कुल टक्कर पे, यहाँ से ये गाड़ियाँ भी आजकल ग्वादर शुरू हो गई हैं, कराची से, कराची से ग्वादर गाड़ियाँ भी जाने लग गई हैं। और ये इधर भी चेक पोस्ट है, लेकिन ये एक, अस्सलामुअलैकुम, यहाँ पे उमाड़ा में कैडेट कॉलेज भी है, ये भी आपके लिए इन्फॉर्म कर दें, हमें आगे नहीं पता था, मैं हसन अब्दाल मरी ये वो, एक ये भी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ कैडेट कॉलेज भी है, कॉलेज भी यहाँ पे बन गया जी, और वो आर्मी कैडर में वो काफ़ी बड़ा है उमाड़ा, ये उमाड़ा है सेंटर में है कराची के। रोटी खाने के लिए जी हम अलकादरी होटल पे आ गए हैं भाई, क्या क्या मिलेगा? आइसक्रीम है, जिंगर है, बीफ बर्गर है, और तुझे क्या चाहिए? मटन, मटन बाबा। तुझे तो फिर वही मिलेगा, तुझे घर से फोन आ गया है? आ गया बस, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ पे वो कुछ मिलेगा जो तुमने नहीं सोचा होगा। क्या क्या मिलेगा? दाल, सब्जी, चिकन, मटन, कलेजी, कीमा, मच्छी फ्राई, मच्छी फ्राई दूसरी नहीं, बारबेक्यू नहीं, दूसरी नहीं, सालन बारबेक्यू नहीं। दाल माश आ गई है जी, चिकन कढ़ाई भी आ गई है, लाया तो चप्पल लाया। यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे खाने का अच्छा इंतज़ाम है, मछली भी मिलेगी है ना भाई? सामने बीच है, ये उमाड़ा का स्टॉप है, और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे ये हट बना है। ये सबसे मेन ये कि पानी बहुत साफ और क्रिस्टल पानी है, क्रिस्टल क्लियर, और बिल्कुल ज़मीन देखें, और अभी तक साफ सुथरा है, आप ज़मीन पे चटाई बिछाएं बैठ जाए, इतना साफ, इतना साफ है पानी, ऐसे क्लियर है। वो यहाँ पे आपको मिलेगा सब कुछ। अपना कैंप शैम्प हो, अपना सारा कुछ हो यहाँ पे, अपना वो सारा सामान हो, बारबेक्यू ये वो, बहुत ज़बरदस्त आउटिंग की जगह है। अगर आप कराची आए हैं घूमने, ये कराची से तकरीबन 2.5-3 घंटे की ड्राइव है, 2.5-3 घंटे। क्रिस्टल क्लियर बीच है ये, बहुत ही खूबसूरत, बहुत साफ, आप कराची वाले भूल जाएंगे बीच अगर इसको देखेंगे, पानी देखें कितना साफ है, और कलर चेक करें इसका, ये कराची से है 400 के राउंड अबाउट, 400 नहीं तो कम से कम 300 है,
300 किलोमीटर कराची से है ये, और ओमाड़ा इसका नाम है इंग्लिश में OMARA, और उर्दू में अड़े आना पहाड़ वाला ओमाड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट बहुत ज़्यादा जारी है और सामने यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं, हट्स बन रहे हैं, इसके अलावा और काफ़ी दोनों सरकारी नहीं है गाड़ी, दोनों सरकारी जीपी सरकारी जी हाँ जूते उधर ही रख दे ट्रैफिक क्यों को क्या ये उमाड़ी है जगह क्लियर बीच उमाड़ा जगह है ये। कैसा लगा बीच? बहुत मजे का। बिल्कुल पाकिस्तान के किसी भी बीच पे इतना साफ यहाँ पे पानी और सफाई है अभी तक, क्योंकि अभी तक लोग नहीं पहुँचे यहाँ पे। जब लोग पहुँचेंगे तो खुद ही आपको यहाँ पे रैपर भी मिलेंगे, घोंसले भी मिलेंगे। अभी तो वो देखो परिंदे हैं, चिट्टियाँ यहाँ पे।